see with Indian movies, yeah, everything is about the hips and the boobs. Okay. Oh, I like this already. So okay, it's just it's all about hips and moves. Hips everything and is just hips and boobs. A little Bollywood. You gotta do it. मेरे प्यारे दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा जब से बॉलीवुड को छोड़कर हॉलीवुड गई हैं, तभी से उनकी कोई ना कोई बातें कंट्रोवर्सी का रूप ले लेती है। चलिए सबसे पहले आप सभी लोग अच्छे से जान लीजिए कि प्रियंका चोपड़ा है कौन और उन्होंने कैसे बॉलीवुड समेत पूरे भारत का फिरंगियों के बीच बैठकर भद्दा मजाक बनाने की कोशिश करी थी। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि प्रियंका चोपड़ा इस वक्त 39 वर्ष की है, यानी कि 39 की, और अभी 3 साल पहले ही 36 की उम्र में उन्होंने फिरंगी निक जोनस के साथ शादी करी। लेकिन निक से पहले भी उनके 6 बॉयफ्रेंड्स थे जिनके साथ उनका टांका भिड़ नहीं पाया। सबसे पहले आसिम मर्चेंट, उसके बाद हरमन बवेजा, तीसरे नंबर पे शाहिद कपूर, उसके बाद अक्षय कुमार, पांचवे नंबर पे शाहरुख खान और छठे पे टॉम हिडलेस्टन, और फिर फाइनली नंबर आता है निक जोनस का, जिनके साथ अभी 3 साल पहले प्रियंका चोपड़ा ने शादी करी जब वो 36 वर्ष की थी और उस वक्त निक जोनस की उम्र थी 25 साल, यानी कि मैडम का दूल्हा मैडम से 11 वर्ष छोटा था। चलिए कोई बात नहीं, दोनों की मर्जी है, इसमें हम आप क्या ही कह सकते हैं। लेकिन एक बात है जिस पे हम कह भी सकते हैं और कहना जरूरी भी है, तो सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखो। इंडियन मूवीज एवरीथिंग इज अबाउट द हिप्स एंड द बूब्स, ओके? आई लाइक दिस ऑलरेडी। सो इट्स जस्ट all movement is just, it's all about hips and moves. Everything is just hips and moves. A little Bollywood. You gotta do it. तो जैसा कि आप सभी ने सुना और देखा मैडम का क्या कहना है कि बॉलीवुड इज ऑल अबाउट हिप्स एंड बूब्स। ये बॉलीवुड वाले इन्हीं दो चीजों को हाईलाइट करके दिखाते हैं, जिसका ही मतलब बनता है कि भारत की जनता यही देखना चाहती है, यही देखती है, हम लोगों को यही देखना पसंद है। मतलब मैंने मैडम के और भी कई सारे इंटरव्यूज देखे जो कि रिसेंट समय के ही हैं, और उनमें भी मैंने यही पाया कि उनकी बातें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं भारत की जनता को नीचा दिखाती है, निराश करती है, परेशान करती है, शर्मसार करती हैं। आपने बॉलीवुड को छोड़ा, सही किया, चलेगा। आप बॉलीवुड को गालियां दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। भर भर के अपनी किताब में बॉलीवुड को एक्सपोज करो, वो भी चलेगा। पर ध्यान रहे, जिस भारत की जनता ने आपको इतना बड़ा स्टार बनाया, बाहर विदेश में आप ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे प्रश्न हमारे देश की संस्कृति पर, हमारे समाज पर ये फिरंगी उठा सके। इस पूरे मुद्दे पर आपके जो भी विचार होंगे, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी आवाज़ और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सबसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।